وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد أنا الماخي الذي يمخ الله به القف وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وعن العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الانبياء بصدق اوتيت جوامع القلم ونصرت بالروح واهلت لي الغنائم وارسلت الى الخلق كافه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وختم بي النبيون او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھو درود شریف سارے آواز آنی چاہیے جی درود شریف کی سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پھر پڑھو پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام اللہ وعلی آلک و اصحابک و سلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک و سلم علیک یا نور اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں سبحان اللہ بھی چنگی چیز ہے بہت ہی لیکن کدے نال رل کے پڑھو تو اور چنگا ہے اور دیوانے اور سبحان اللہ تو اللہ کا ذکر ہے تو جی نال رل کے پڑھو گے حضور دی نعت ہے اللہ دے ذکر وچ وی برکت ہے پر اللہ نو زیادہ چنگا یار دا ذکر لگدا ہے یہ گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں او دیوانیوں اللہ کو نام اللہ کا ہی بڑا ہے نام اللہ ہی کا بڑا ہے لیکن اس کا کیا کرو گے جو سب سے بڑا ہے وہ مصطفیٰ پاک کی مدہ خود کرتا ہے نال پڑھو رل کے میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ رسول میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں ملیو جنہیں ساری کائنات نو مصطفیٰ دے صدقے پیدا کیتا ہے مرکز ہے سرکار اصل ہے سرکار علت العلل ہے سرکار حقیقت الحقائق ہے سرکار سید الابرار ہے سرکار نائب اعظم پروردگار ہے سرکار خلیفہ مطلق ہے سرکار نبیوں کے سید و سرور ہے سرکار رحمت للعالمین ہے سرکار شفیع المذنبین ہے سرکار امام المرسلین ہے سرکار رحمت للعالمین ہے سرکار
अर्श पे नाम है तो सरकार का, फर्श के चप्पे चप्पे पे जिक्र है तो सरकार का, कवायम अर्श पे इसमें अकदस मरकूम है तो सरकार का, मलाइका के माथों पर नाम जिक्र है तो सरकार का, गिलमान के सीनों पर नाम लिखा है तो सरकार का, जन्नत के मराबर पर, उसके सरायर पर, उसके असमार पर, उसके अशजार पर, उसके औराक पर, अंबिया की जबानों पे, फरिश्तों की नोके जुबान पे, हर एक हूर के तराने में जिस एक का नाम है वही मोहम्मद रसूल। सुभान अल्लाह। ये खाली हमारा जज्बा नहीं है बल्कि रब्बे काबा की कसम है ये हकीकत है। बोलो जी ये की है? क्या सरकार के सिवा कोई अल्लाह का मकसूद है? काबा भी नहीं है मकसूद अल्लाह का, वो काबा तो मर्जी मुस्तफा से किबला बना है, काबा भी अल्लाह का मकसूद नहीं और नमाज भी मकसूद नहीं। मकसूद में कभी कोई थोड़ा करता है कुछ? ये मकसूद हो गए अल्लाह का नमाज तो 45 नमाजा जानी। बोलो मूचो ए जड़े सारे मौलवी लई फिर गल्ला असा नमाजा दे मुनकर ना, लेकिन कान खोल के सुन लो, नमाज वो शै जिसे अली ने मुस्तफा की नींद पर कुर्बान कर दिया है। वाह 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 वाह। हुण बोलो नारा रिसाल यार, फिर बोलो नारा रिसाल। कट बोले हो अजे भी, अजे मैंने चस नहीं आई है तो आड़े गले बिल्कुल पावे जे कदे फार्म होंदे नु होण दियो। बोलो नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। हम अपने नबी के दीवाने, सुल्तान नबी के दीवाने, गमखार नबी के, लजपाल नबी के। कल फिर समझो मकसूद क्या है। नमाजे मकसूद है, अल्लाह सानू पंजा वेलियां दा नमाजी बनाया, मगर मकसूद नमाज नहीं है, मकसूद अमना कलाल है। और रोजा मकसूद है, अगर रोजा मकसूद है तो हजूर ने जानबूझकर रोजा तोड़ने वाले को खजूरें खिला कर ये क्यों कह दिया, जाओ तेनु अल्लाह ने माफ कर देता है। तो मकसूद रोजा भी ना हुआ, मकसूद नमाज भी नहीं, तो क्या फिर ये काबा मकसूद है? और दीवाने अगर काबा मकसूद होता तो मुस्तफा के इरादे से पहले किबला बनता, किबला तब रब ने बनाया है जब कलबे मुस्तफा में काबे का ख्याल आया। बोलो गल सारी सरकार, उच्चा बोलना है जी, गल सारी सरकार दिए, हाथ खड़े करके बोलो गल सारी सरकार दिए। मकसूद हजूर है, नबियों और रसूलों से भी मकसूद मुस्तफा है, नबियों और रसूलों से भी, बल्कि नबी के रसूल सारे हजूर पुर नूर से सलम के मौलिनीन है। मौलिनीन उखा लफ्ज है अरबी का, इसका मतलब है ऐलान करने वाले, एदा मतलब की है ऐलान करने वाले, सवा लख ऐलान करने वाले। यहां मेरा ऐलान हजरत ने किया है कि अभी तकरीर करने लगे हैं, एक दुर्वेश आया है और वहां नबी सारे कहते थे उम्मतों को, सुन लो आने वाला आ रहा है, हमारे माथों से भी सारी जमीन पाक नहीं हुई, उसके कदम से सारी जमीन पाक होने वाली है। वाह 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 वाह। कोई गल समझ आई है कि नहीं आई? ते गल सारी अंबिया मोले नहीं रहे, रसूल मोले नहीं रहे, अल्लाह ने हजूर जैसा कोई बनाया ही नहीं, अल्लाह के पूरे खजाने में दूसरा मोहम्मद है ही नहीं, अल्लाह के खजाने का कीमती तरीन जिन्स सिर्फ जाते मुस्तफा है। अपना आप दिखाने के लिए उसने जाते मुस्तफा को सामने किया है, वो उस अपना दिखाना चाहता है, गाल मुस्तफा की आगे करता है,
وہ علم اپنا بتانا چاہتا ہے تو خبریں مصطفیٰ کی زبان سے جاری کرتا ہے، وہ قدرت اپنی بتانا چاہتا ہے انگلی کے اشارے سے مصطفیٰ کے چاند دو ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ بندوں پر بخشش اپنی کرنا چاہتا ہے لیکن شفیع اس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ تو دسو پھر حضور دے نال دا کوئی اور ہے؟ اچھا بولو ہے، تو مقصد پھر کون ہویا؟ حضور فرض کیا ایک بندے کی ساری زندگی کی ایک نماز بھی ختم نہیں ہے، نہ روزہ اس نے کبھی چھوڑا ہے، فرض کیا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ادھر میرے حال تک ہو سارے، فرض کیتا ہوندے کوئی غلطی زندگی چ کدی ہوئی نہیں، ایک غلطی بھی، اور اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، دسو دے نمازاں کدھر گئی، دسو دے روزے کدھر گئے؟ میرا ایک سوال ہے، دسو جڑے مدینے دے منافق سن نمازاں نہیں سن پڑھتے؟ ایدا جواب چاہیے مینو، پگڑیاں نہیں سن بدیاں ہونا، ان کی داڑیاں کوئی نہیں تھی، مونڈتے تھے، غلط، نمازیں مدینے میں پڑھتے تھے فائدہ کوئی نہ ہوا، روزہ مدینے میں رکھتے تھے فائدہ کوئی نہ ہوا، داڑیاں رکھی ہوئی تھی فائدہ کوئی نہ ہوا، پگڑیاں باندھ رکھی تھی فائدہ کوئی نہ ہوا، مصطفیٰ کریم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے فائدہ کوئی نہ ہویا۔ تو او جڑا یمن والا جڑا ہے جدا نا ویسے کرنی ہے، وہ بظاہر مصطفیٰ سے ملا بھی نہیں، اللہ فرماتا ہے محبوبہ اعلان کر کل قیامت کے دن اویس کی انگلی کے اشارے سے میں گناہگاروں کی مغفرت کر کے جنت میں بھیج۔ تو یہ اویس کو مرتبہ کہاں سے ملا؟ جواب دیں، اویس کا مقام کہاں سے ہے؟ یہ حضرت اویس کی یہ شان کہاں سے ہے؟ حضرت اویس کا یہ معاملہ اللہ کی نگاہ میں کہاں سے آیا کہ اشارہ قیامت کے دن حضرت اویس کرنا ہینڈ کر کے جنت کے بوئے تے روکیا جائے گا انہوں، اور پھر کہا جائے گا ادھر دوزخ کی طرف دیکھو، پھر حضرت اویس دوزخ والے پلے ویکھن گے، اور پھر کیا جائے گا اپنی انگلی نال اشارہ کر جدھر جدھر اویسے کرنی کی انگلی پھرتی چلی جائے گی، ادھر ادھر سے جہنم سے بندے نکالے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے اور بخشے جائیں گے۔ یہ اویس کی انگلی میں کمال آیا کہاں سے؟ ارے میاں سو گز رسا سرے تے گھٹ، اویس کی ساری شان محبت مصطفیٰ سے بنی ہے۔ گل ساری بولو، آر دیے نہ پار دیے، گل ساری دو دیے نہ چار دیے، گل ساری اوے اے گل رب غفار دیے کہ گل ساری، دوسری اور کوئی گل بھی نہیں، صرف سرکار دو عالم کی بات ہے، جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے نا بندیاں نو، اچھا بولو کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا؟ اوے تساں بولو سٹیج والے، او اللہ اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے یا نہیں؟ اچھا بولو کرنا چاہتا ہے، اعلان کیا کرتا ہے بتاؤ مجھے، محبت اپنی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنا محب بنانا چاہتا ہے، مگر اعلان کیا کرواتا ہے؟ فرماتا ہے محبوب تو اعلان کر، من احبنی فقد احب اللہ، او اللہ سے محبت تم کر ہی نہیں سکتے، مجھ سے محبت کرو، جو مجھ سے محبت کر لے گا اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ ایک باری پھر سن لو، جس سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہو، جس کی اتباع کرنا خدا کی اتباع کرنا ہو، جس پر درود پڑھنا خدا کا محبوب بننا ہو، پھر کرانچ بہ کے سوچو گل او دی نہیں کہ کے دی۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر صرف حضور کے اعلان کے لیے آیا ہے، یاد رہے اللہ کی توحید کا بھی انہوں نے اعلان کیا اور آمنہ کے لال کا بھی ذکر کیا، کیوں کیا؟ وہ جان دین کے گل ساری، اچھا بولو گل ساری، دوسری کوئی بات بھی نہیں، اور یہ سب سے زیادہ حضور کی محبت کی بات گناہگاروں کو سمجھ آتی ہے۔ اے دے بھی ایک راز ہے، زیادہ متقی میں ایک بندہ ہوگا نا، حضور کی شان اس کے سامنے بیان کرو تو وہ کہے گا امال دی بھی گل کر، دھیان رکھے ہے میری گل، البس جو کوئی جس کا عاشق ہوئے
जो कोई जिस दा ते गल उसे दी ते लख लख मकर बहाने करके ओदे ही मरने मरदा। अब यहां पर बैठे हुए बंदे को जिसको रमजान से प्यार है वो फौरन बोलेगा जी रमजान दी शान बयान करो। जिसको मां नाल प्यार है वो बंदे नु नाथ खाना नु फड़ फड़ के आदा है भाई भाई चल भाई मां दी शान बयान कर। तो नाथ खाना नु के चाहिए पैसे उन्हें गरीबा शुरू कर देनी अलग नाथ खाना मुंह तो चंड मारनी चाहिए भाई मां का जिक्र कराना ही घर महफल अपनी लदा रख इतने मैंने नाथ वास्ते बुलाया गया इतने सिर्फ सरकार की बात होगी गल समझ आई है। लेकिन वो करें क्या जिधर नोट आते हुए देखते हैं बंदे बिफर जाते हैं। नोट तो सबसे ज्यादा मुजकरे मुस्तफा में मिलते हैं मत मारी हुई है इनकी भाई मां की फजीलत भी वड्डी है प्यो की फजीलत भी वड्डी है ओ बच्चियां की फजीलत भी वड्डी है तो रोजियां की भी फजीलत वड्डी है ओ हज की भी फजीलत वड्डी है पर मेरे हाथ कुरान से रखाओ सारी जिंदगी बह के सवा लख नबियों का जिक्र करो ते नमाजो रोजे का जिक्र करो ये सारा जिक्र एक पासे ते सिर्फ एक मिनट बैठ कर जुल्फे मुस्तफा का जिक्र करो जिक्र एक पासे सरकार दिए। आप समझे कि जो मैं जोर आप पर दे रहा हूं क्यों दे रहा हूं मोहब्बत मुस्तफा के मामले में कि हजूर पुर नूर की मोहब्बत के बगैर कोई चारा ए हाथ छोड़ जो पहन करके दसो कोई चारा नहीं। हाँ हाथ से दिखाओ मैं थोड़े हाथ हैं मजमे हाँ थोड़े आधिया दे हैं आधिया दे कोई नहीं सारे हाथ हैं करो हैं करो उन्होंने कोई चारा ये हाथ थले ना करे फिर बोलो हजूर की मोहब्बत तो बगैर कोई चारा हजूर की मोहब्बत तो बगैर कोई चारा हजूर की मोहब्बत तो बगैर कोई चारा हूं हाथ थले कर लो वालसलाम वरहमतुल्लाह वबर हजूर की मोहब्बत के बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है याद रखो और हजूर दे नाल दा सोना भी कोई रब्बे काबा दी कसम है बाबे रो नाक बड़ी के ना इन दा यकीन करें अल्लाह पाक की कसम खाकर मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चस पावे अगे बंदे चार बैठे हुए सी लेकिन मैं कुरान पर हाथ रख के कहता हूँ मेरा जहन यह बनया भी तुसा प्रोग्राम तो बाद में नंबर लवा तो अस्ताने से बुलावा और उठे बल्कि परसू तरसू हमारा उर्से हुसैन दो जगह होता है एक उधर इस्लामाबाद में और एक इधर खारिया में तो वो 20 तारीख को है आपको मैं वहां दावत देता हूँ आप वहां और यही नाच सुनानी है मकान ला मकान वो कदमा दे थले सारा जग बल्ले बल्ले माही दे कदमा दे थले इससे बड़ी आगे कोई बात ही कोई नहीं रब्बे काबा की कसम और हजूर से ज्यादा सोना कोई और है ही नहीं कोई सोना नहीं है चंद सूरज एक बेचते हैं हजूर के सामने ये हजूर के नूर के चौथे हिस्से से बनाए गए हैं चौथे हिस्से से बल्कि चौथे का भी चौथा है अगर वो मैं पूरी हदीस शरीफ पढ़ूं तो वो चौथे के फिर चार किए उन चारों में से चौथे के सारे आसमान बनाए गए चंद सूरज बिच ने अठवें हिस्से से बने तो जो नूरे मुस्तफा के कतरे से बनाया गया उसे कोई नहीं देख सकता चेहरा मद्दुहा कौन देख सकता है ये तो मैं कुरान से आते आके आदा हजूर दे चेहरे से जे पर्दे पे एक जड़े जिब्रील अमीन ने आख्या हजूर नु अल्लाह पाक नु अर्ज की जिब्रील ने या रसूल अल्लाह या पहले जिब्रील ने अल्लाह से कहा या अल्लाह आज मेरी इजाजत है मैं तेरे नबी का दीदार करने जाना अल्लाह पाक ने फरमाया वही लेकर जाता है दीदार तो तू करता है उन्हें अर्ज की थी या अल्लाह आज मैं जाना चाहता हूं असली सूरत में केड़ी सूरत में सारे रल के बोलो ये तुसा रल के बोलना है तो गल समझ आनी नहीं तो नहीं आनी जिब्रील ने कहा क्या मैं केड़ी सूरत में जाना चाहता तो जिब्रील की असली सूरत की है पता है तुम जिब्रील के 600 पर ने कितने 300 मशरक 300 मगरब तो सिर ओदा पहले आसमान से तो पैर उदे इस जमीन पे ए रसूलुल्लाह ने हुलिया बयान किया है केदा जिब्रील दा तो जिब्रील दी ए सूरत असली है लेकिन वो कदे हजूर को
پہلے اصلی صورت وچ نہیں آیا سی، آتا تھا کس کی صورت میں؟ دخ یا قلبی کی صورت میں، یا اس کے علاوہ انسانی صورت میں، کسی صورت میں جبریل امین آمدے سن، اور صحابہ کرام بھی نہیں پچھان سکتے سن. چھ ساڑھے چھ فٹ دا قد، پانچ ساڑھے پانچ فٹ دا قد. ہوں اصلی صورت کیا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان قد ہے، چھ سو پر ہیں، یہ بھی حدیث ہے. اور چھ فٹ دا ہو کے آمدہ سی، یہ بھی حدیث ہے. اور ہے کون جبریل؟ وزیر کس کا؟ مصطفیٰ کا. تو روپ بدل کے آئے تو بندہ لگتا ہے، یہ وزیر روپ بدلے تے بندہ لگتا ہے، بادشاہ بھی روپ بدلے تے بندہ ہی لگتا ہے. لیکن نقطہ سمجھنا، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہ ماں و مدر کی ہے. اس وجود میں شکل بشر کی نور الہ ہے، اسی لیے انگلی جب اٹھتی ہے تو چاند پھٹتا چلا جاتا ہے. پھر سنو، جبریل نے عرض کی تھی، یا اللہ میں تیرے محبوب کو جانا چاہوں گا. اب جا، یا اللہ میں اجازت دے، میں کوئی وی نہیں لے کے جانا چاہتا، نہ حلال آرام کا کوئی حکم، نہ نماز تو روزے کا کوئی حکم، نہ طلاق تو بیاہ کا کوئی حکم، نہ مکرو کا کوئی حکم، بس آج میں صرف تیرے محبوب کے درود و سلام پڑھنا چاہتا. اور جا کے صرف محبوب دے آگے ہاتھ بناں گا، درود پیش کروں گا، مڑ آواں گا، سلام پیش کروں گا، لیکن جاواں گا اصلی صورت اے اجازت دے. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اجازت. جبریل اللہ نو ویکھیا کوئی نہیں، پہلی یہ گل سن لو، جبریل اللہ نو ویکھیا، اچھا بولو نہیں اور اچھا بولو، جبریل اللہ نو ویکھیا کوئی نہیں، اے جبریل حضور نو ہی ویکھیا ہے، اللہ نو نہیں سی ویکھیا، حضور نو ہی ویکھیا. اے حضور ہی ہے جنہوں نے لا مقام خدا سے ملاقات کی. اے جبریل سدرا پر ہے، سدرا سے کہتا ہے جاواں، اللہ پاک نے فرمایا جا. اب جبریل آئے جی، توجہ توجہ، جبریل آئے کتوں اٹھے؟ سدرا کو. حضور کہاں ہیں؟ مکے میں. کس جگہ؟ اور تساں مکے شریف کعبہ شریف تک کہہ، تساں کعبے دے پرنالے تھلے گول جی ایک کندھ ہے، ویکھی جی، جنے ویکھی تھوڑا جا ہاتھ کھڑا کرو، کو نہیں ساریاں نہیں ویکھی ہو کندھ؟ اللہ اللہ اللہ، سادے لوگ ہو، ایڈی ایڈی کندھ ہے جنوں آدن حتیم، کی آدن؟ وہ پرنالے دے تھلے ہے، پرنالے نوں آدن میزاب رحمت، میزاب آدن پرنالے نوں جتھوں پانی وگدا ہے، تو اس پرنالے نوں آدن میزاب رحمت، یعنی رحمت والا پرنالہ، رحمت والا. اب نبی پاک اس پرنالے تھلے آرام فرما رہے ہیں. ادھر مجھے دیکھو سارے، اے گلا تکنے والی نے، سننے والی بھی ہے، تکنے والی بھی ہے. حضور چادر لئی ہوئی، چادر اتنے کی ہوئی، حتیم وچ لمے پے ہوئے، پرنالے تھلے. سننا حضور جی، جبریل آ گیا، اجے حضور تک اپڑیا نہیں، سدرا تو چلیا ہے. تو اللہ پاک نے بغیر واسطہ جبریل کے حضور کے دل پر وہی نازل فرمائی، تو فرمایا محبوب جی اٹھو. جبریل آ رہا، اگے یا اللہ پہلے بھی تو آمدہ ہی رہندا ہے، اگے آج آ رہا ہے اصلی صورت میں آپ کو سلام کرنے، تساں اٹھو. اگے پھر یا اللہ، اگے اگلی گل یہ ہے وہ پہ آمدہ ہے اصلی صورت میں، اج تسی بھی آ جاؤ اصلی صورت میں. وہ آ رہا ہے تو تسی بھی آ منجو اصلی صورت میں. حضور نے چادر لا کے پراں رکھی، اللہ ہی جانے کیڑی چادر، خدا ہی بہتر جانتا ہے کیڑی چادر مصطفیٰ نے لائی، پر کوئی چادر لائی. چادر اتار کے رکھی، جبریل آیا مکے میں، اور وہ پہاڑی جو ادھر سوا مروا کے برابر میں محل بنا ہوا ہے، جس پہاڑی پر، اسے کہتے ہیں جبل ابو قبیس. اسے پہاڑی کے کھلو کے حضور نے چند توڑیا سی. اس پہاڑی پر آ کر جبریل رک گیا، اگے ٹرئی
अगे अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील से दिल पर उसके वही नाजल की जिब्रील के अगा चल ना जांदा क्यों नहीं कदम पट तो जाके मेरे महबूब नू वेख तो जिब्रील अगा ना जावे। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया इत्थों जे आख के गया है असली सूरत च जाना है तो सलाम करना है तो हुण वांझगा कदम चा पर अर्ज की सोने मैं किंज कदम चावा जेड़ा नूर मेनू सिदरा तू उत्ते नहीं जान देता आज वो ही नूर मोहम्मद के करीब नहीं आने दे रहा। कोई गल समझ आई है कि नहीं है आई? ओ बेलियो अकलमंदा वास्ते इशारा काफी है। ये जा ओ हल हजरत फरमाते ना पीर मेर अली शाह साहब ओ फरमाते ये सूरत है बेसूरत थी। ये सूरत है बेसूरत कौन है? अल्लाह। सूरत के दिए सरकार दी तो हजरत मेरे नहीं फरमाते ने ए सूरत है बेसूरत थी तो बेसूरत जाहिर सूरत थी। कोई गल समझ आई है कि नहीं कि ए जड़ी सूरत मुहम्मदिया है ये अल्लाह से है और वो जो अल्लाह बेसूरत है वो इसी सूरत में जलवागर होकर जाहिर हुआ है। हुण गल समझ आई है तो असा सूरत ते भेजना है दुरूद। सूरत ते के भेजना है के इस सूरत में नूरे खुदा है। सूरत ते के भेजना है? हाँ भेजना दुरूद ही है। सूरत ते भेजना की है लेकिन एक गल समझनी है कि जिस सूरत ते दुरूद पढ़िया जा रहा है इस सूरत विच नूरे खुदा जलवागर है। यही गल आला हजरत बरेलवी ने भी फरमाई। सीधा साधा माहौल है तुहाडा तो आला हजरत शेर बड़े औखे ने वो सुनाने जरा मुश्किल होंगे लेकिन मैं एक शेर पढ़ देना वा। आला हजरत बरेलवी इसे तरफ इशारा कर दिया फरमाते मजहरे हक हो तुम्हें मुजहरे हक हो तुम्हें मजहरे हक हो। ये आपने ये जो अभी आला हजरत का कलाम पढ़ा ये मैं इसलिए आपको शेर एक सुना रहा हूँ वगरना ये माहौल को नहीं पिंड आला आला हजरत कलाम आला मेरे कलेजे दे टुकड़े फरमाते मजहरे हक हो तुम्हें मुजहरे हक हो तुम्हें। मजहर कौन सा सीगा है इसमें मफूल का किस से जहारा यजहरो से और मुजहर क्या है अजहर युजहरो इजहार से ये इसमें फाइल है तो अब माना क्या बना। अहमद रजा बरेलवी क्या कह रहे हैं मजहरे हक हो तुम्हें मुजहरे हक हो तुम्हें तुम में जाहिर है खुदा तुम में जाहिर है। चलो एक गल तो सुभान अल्लाह की थी तुम्हें समझ आ गई तुम में जाहिर है खुदा तुम पे करोड़ों दुरूद बेग दुरूद रहे हैं और क्या क्या रहे हैं तुम में जाहिर है खुदा तुम पे करोड़ों दुरूद। ओ दीवानों जिस तरह ये बोतल है और इसमें पानी है इसी तरह जिसमें मुस्तफा में फकत नूरे खुदा है इसलिए सरकार मकसूद है गल सारी इसलिए मैं बार बार जोर मार रहा हूं गल सारी तो सरकार दे नाल दा तां ही सुनो नहीं कोई नहीं क्योंकि अल्लाह ने वो वजूद अपने वास्ते बनाया तुहानू अल्लाह ने अपने वास्ते नहीं बनाया मेरे हल तको तो ना मैनू अपने वास्ते बनाया ना सवा लख नबी अपने वास्ते बनाए सुनो तो ना काबा अपने वास्ते बनाया तो ना जन्नत अपने वास्ते बनाई तो ना वो कुर्सी की उन्होंने लोड़ कोई नहीं वो कोई बहंदा कोई नहीं कुर्सी ते दीवाने हो ना उन्हें कलम अपने वास्ते बनाई ना उन्हें लोह अपने वास्ते बनाई ना उन्हें चंद ते सूरज अपने वास्ते बनाया। ए पूरी कायनात उसने तुम्हारे लिए बनाई है और अपने लिए उसने सिर्फ एक अस्थि तखलीक की है जिसे मोहम्मद रसूल वगरना महबूब और कोई है तो दसो चलो जने बनो दसो मैनु कोई और महबूब है बोलो ओ गुंगे ना बनो बोलो कोई और महबूब इंजदा है महबूब तो बतेरे ने इंजदा है कोई महबूब बतेरे सैयद अजहरा भी महबूब है हसन पाक भी महबूब है हुसैन पाक भी महबूब है सिद्दीक अकबर भी महबूब है उमर फारूक पाक भी महबूब है उस्मान पाक भी महबूब है अली मुर्तजा पाक भी महबूब है और दीवानो हजरत सलमान फारसी भी महबूब है हजरत अबू हुरैरा भी महबूब है हजरत तलाउ ज़ुबैर भी महबूब है हजूर का हर गुलाम महबूब खुदा है
लेकिन बताओ क्या वैसे ही है जैसे मुस्तफा है? और दीवानों समझो, ऐसा महबूब कोई नहीं है। ये तो सहाबा और अहले बैत की बात है, मुझे कुरान की कसम ऐसा महबूब तो रसूलों में कोई नहीं है, ऐसा महबूब तो नबियों में कोई नहीं है, अरे ऐसा महबूब तो खुदा की मखलूक में कोई नहीं है। ओ, आज मैं यहाँ पर गुजरात में दिन में तकरीर कर रहा था, एक मौली साहब ने पढ़िया शेर, मैं चढ़ गए वट, और मौली साहब ने शेर उन्हें शेर पढ़िया, पढ़ते ना हम तुम आला हजरत शेर पढ़िया, कलेजे ठंड पी, और बाबे ने नात बड़ी कितनी चस आई भाई, कोई होंगी तरीके की गल, उन्होंने एक शेर पढ़ा, उन्होंने कहा अल्लाह पाक ने सारे जहान का फुल निचोड़ के हजूर का पसीना बना छोड़े। ओ मैं गया खुदा दा होफ करो भैया, फुल निचोड़ के पसीना बना दिता। ओ मैं गया दीवानिया, फुला नू हवा भी नहीं लगी उस खुशबू दी जो मुस्तफा के पसीने में है। कहां की बात कर रहे हो? फिर नाल ही लग दिया, मैं नाल बुखारी पड़ी, बुखारी नाल जोड़ के फड़ो जानी, नाल ही मैं उन्होंने गया, मैं कहा सुन मौलवी अनाना सिबने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु काला वल्लाहि लामसस्तु हज्जतं वला हरीरा अलजन मिन कफ्रि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला शममतु मिस्कतं वला अबीरा अत्यब मिन राहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी व मुस्लिम मुत्तफक अलैहि, रवायत है बुखारी मुस्लिम की। हजूर नबी पाक के जो खादिम खास थे जिनका नाम अनस बिन मालिक है, वो फरमाते हैं मुझे मेरे रब की कसम मैंने दुनिया जान के रेशम देखे हैं, मैंने इतना नरम रेशम भी नहीं देखा जितनी मुस्तफा के हाथ की तली नरम देखी। और अगला जुमला सुनना, फरमाते हैं वल्लाए वला शमम तो मिस्कतम वला अबीरा अजब मिन रायत रसूलिल्लाह, और मैंने हिंद की और मैंने दुनिया की हर मुल्क की कीमती तरीन खुशबू सूंघी है, हमें वो खुशबू नजर नहीं आई जो मुस्तफा के पसीने में पाई जाती है। अब बोलो नाराए रिसाल, नहीं नहीं गज बज के जरा ऊंचा बोलो नाराए रिसाल। ओ जेड़ा जेड़ा बंदा हजूर की शबाद चाहता है ऊंचा बोले नाराए रिसाल या रसूल अल्लाह, नाराए रिसाल या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बे लब्बे या रसूल अल्लाह, लब्बे लब्बे लब्बे। हजूर इस वास्ते हजूर दे नाल दा कोई नहीं, क्योंकि ये हजूर जिंदाबाद, शुक्र है ओए शुक्र है शुक्र है जिंदाबाद। और ऊंचा और ऊंचा और बोलो जिंदाबाद, शुक्र है भाई तुसा थोड़े जे थले हो, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टेज पे भी बोल रहे हो फायदा हो जाना जी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। गल सुनो गल सुनो गल सुनो सूरी जी, गल सुनो मेरी, मैं स्टेज पे भरावां नाल गल करो, मेरे मां प्यो तुहाडे ते कुर्बान, और गल तुहानू मैं दसां बच्चियो, असां भावें इस कुर्सी तों उच्ची कुर्सी लै आओ ना उहदे ते वी बैठ जांदे मोहताज, फिर भी आमना दे लाल जी तुहाडा की ख्याल है तुसी दसो हाँ जी या नहीं, भावें हजूर इस कुर्सी तू इहनू चुके उधर उत्ते रख दे, आसमाना ते लै जा ना सकते हो, तो जिहड़ी गल्ला ने आसमाना ते रखी हुई उहदे ते भी सरकार बैठे जा के। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं से इज्जतो एतलाए मुहम्मद इत्तलाए मुहम्मद के है अर्श हक, के है अर्श हक जेरे पा, मिलकर पढ़ो नाल के है अर्श हक जेरे पाए मुहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, बल्ले
भले पढ़ो। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है दमे नजा जारी, दमे नजा जारी जबां पर हो मेरी मोहम्मद मोहम्मद, खुदाए मोहम्मद। अच्छा ए नाज शरीफ सियालकोट विच एक बंदे ने पढ़ी, किथे जी उच्चा बोलिया पढ़न वाला जना कोई नात खान सी, नात पढ़ी गई महफले मिलाद विच, ते उस स्टेज पर जैसे आप लोग बैठे हुए हैं एक बंदा बैठा हुआ था जिस बंदे को हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं। नाज शरीफ आला हजरत बरेलवी ने लिखी है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो और खुदा चाहता है रजाए, ये जब उन्हें पढ़िया ना तो आप चुप करके सुनते रहे, कलाम है ये आला हजरत बरेलवी। जब वो पढ़ चुका तो वो बावार ना पेंसिल लेके कागज से कुछ लिख दे रहे, हजरत डॉक्टर अलामा मोहम्मद ए सियालकोट दा शेर शान बल्कि सियालकोट दी, उना पेंसिल लेके ना पेंसिल ते कागज से उस नात दा जवाब लिखे, के लिखे हुण सुने, जवाब नहीं बल्कि उस नात दी तत्वीन लिखी, जवाब नहीं तत्वीन वो सुने क्या, वो जो उसने पढ़े ना नाथ खान ने, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद और असाए कलीम अशदाए गजब था गिरोह का सहारा असाए मोहम्मद। तो इकबाल ने ना उठ के माइक ले लिया, हजरत इकबाल ने उन्हें कहा जी मैनू बोलन दो, दो शेर में भी नाथ सुनाना चाहता। उस नाथ खान तो बाद अलामा इकबाल साहब ने क्या कहा सुनोगे, इकबाल फरमाते हैं ताजुब की जा है कि फिरदौस आला, ताजुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, और मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए मोहम्मद। एक इबला कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक जिनू जिनू फड़ेगा ओनू मुस्तफा छुड़ा लेना। और एक गल जहन च रखे, थोड़ा जा मैनू खतरा महसूस होने लगा, पंजा मिनटा च आकर मैं गल पूरी करा, कोई था वो भी सुना देने, था थी वाला वाकया सुना देने, था थी वाला इन्हों वैसे समझ चौखा होना, अल्लाह की कसम है पूरी मेरी तकरीर एक पास इन्हों था थी वाला होना, ए तुसा देख लेना गल तुसा ठीक की थी। वो बैन दो को नहीं, बुजुर्गों बैन दो मेरी जान खैर उसी अल्लाह फजल कर सी बैन दो, अजय इन्हों था थी आना भी समझ इन्हों था थी है, पर चलो पहले वो एक गल तो कर लैन दो, खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, ये हदीस भी सुन लो, एक गल पहले समझ जाओ, एडा वड्डा मजमा है गल समझ लो, अल्लाह अल्लाह के रसूल का कोई आपस में जोर नहीं, कोई कुश्ती नहीं जहन च रखे है, कोई तकरार नहीं, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का प्यार इतना है जिससे जिससे मुस्तफा फरमाते जाएंगे खुदा उसे छोड़ता चला जाएगा। और ये मैं पहले हदीस सुना देवा फिर हाथी अले पले आमदा वा, ए मेरे कलेजे दे टुकड़े हो, ए बुखारी शरीफ दी हदीस शरीफ है, हजूर नबी पाक फरमांदे ने कल क्यामत वाले रोज पुल सरात ते अल्लाह मैनू खड़ा फरमाएगा, जदों मेरी उम्मत लंघन लगेगी जेड़ा डिगण लगेगा मैं कहूंगा रब सलिम या अल्लाह खैर कर, ये मेरा है मेरा रब उसे पार कर। एक अगली सुनो, हजूर नबी पाक फरमाते हैं जदों मैदान-ए-माशर लग जाएगा, ए बुखारी जी ए हुण मैं पढ़न लगा जेड़ी
हजूर ने फरमाया मेरा रब उस वक्त इतने गुस्से और जलाल में होगा कोई नबी और कोई रसूल अल्लाह से बात नहीं कर सकेगा। अदर मेरे हल तक वेले होंगे दो, क्या मतलब जड़े वेले कितने होंगे? एक वेला होएगा अल्लाह के गुस्से का, एक होएगा अल्लाह के प्यार का। जदों अल्लाह पाक का गुस्सा जाता रहेगा उस वेले तुहाडे निक्के निक्के बच्चे भी शफात करेंगे। उस वेले हजूर ने फरमाया जिहदा मुंडा फौत हो गया, कुड़ी फौत हो गई नाबालिग, वह भी शफात करेंगे। अच्छा, जिस वक्त अल्लाह पाक गुस्से में नहीं होगा उस वक्त तुमने किसी वली को पानी पिलाया होगा तो वो वली भी तुम्हारी शफात कर देगा, किसी वली को वजू कराया होगा तो वो भी शफात। पर ध्यान च रखा है ये दाता पाक ते ख्वाजा पाक ते गौस पाक दी शफातां बाद विच ने प्यार आले वेले, पर उस वक्त नबी भी कोई नहीं आएगा आप सामने जदों अल्लाह के होएगा गुस्से में, उस वेले सरकार फरमाते हैं मैं आऊंगा। और याद रखे गुस्सा जांदा है प्यारी चीज नूं तक। मिसाल के तौर पर तुहानूं धी चंगी लगदी है, तुसां जितने मर्जी है गुस्से जाओ, बीवी तो शायद गुस्सा कर जाओ, लेकिन बेटी सामने आ जाए गुस्सा रहेगा? बोलो जे सानूं धी तक के गुस्सा जांदा रहिंदा है खुदा दा तो महबूबे अकबर है। हजूर फरमाते मैं सामने जाऊंगा मैदान माशर में और सजदा करूंगा, और जब मैं सजदा करूंगा ना उस वक्त मेरा रब फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद अपने सर को उठाइए कुल फरमाइए तुस्मा अलक, आपकी बात सुनी जाएगी और सल मांगिए टोटा लक आपको अता किया जाएगा, इश्फा बख्शवाइए तो शफा लक आप बख्शवाते चले जाएं आपका रब बख्शता चला जाए। लिहाजा इकबाल के शेर पर इतराज ना करना कि खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, अल्लाह ने पकड़ा हुआ होगा। और दूसरी हदीस एक ही बस जुमले की पेश कर दूं, हजूर ने फरमाया कल क्यामत के दिन अना कायदो हूं आगे आगे मैं चलूंगा, अना खतीबो हूं क्यामत को खिताब मैं करूंगा, आना आना मुशफ़ियुहुम इज़ा खुबिसू, जब मेरी उम्मत को कैद कर लिया जाएगा गुनाहों की वजह से मुशफ़ियुहुम, मैं अपने रब से सिफारिश करूंगा, मेरा रब सिफारिश कबूल करेगा, उम्मत मेरी बरी हो जाए। टूट जाए गुनाहगारों के फौरन कह दो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कह दो बंद, अशर में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, अशर में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, के जब हजूर एक नजर देखेंगे तो मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। ये नबी पाक की शाने है, और जितनिया में गल्ला कीतियां ये एक कतरा भी नहीं, ये जितनी मैनू नहीं पता कितना टाइम होया, मैं कड़ी नहीं देखी और देखना भी ना चाहता, ना मैनू दसना भी नहीं, फिर काम गड़बड़ हो जाना है, टाइम दसना भी ना मैनू, मैं कड़ी तकी भी नहीं, मैं कड़ी तकना भी ना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें दसा जितनी देर भी मैंने अहदीस शरीफ की तलावत की है मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, हर एक जुबान पर सरकार सरकार हो बस, दूसरी कोई बात मैं नहीं जानता। मुझे इतना पता है अगर हजूर का इश्क का एक कतरा तुम्हारे दिल में आ गया अल्लाह की कसम चाह के मैं आदा दुनिया च भी मौजा पे करोगे आखिरत च भी पे करोगे। गल सारी सरकार दी है, उच्चा बोलिया मुंडिया, गल सारी सरकार दी है, इंज बोल, गल सारी सरकार दी है, गल सारी सरकार दी है। बाकी जितनी ना बाकी जितनी शाना ने वो हजूर दा सदका ने, तो वैसे जिड़िया हजूर दे सदके भी शाना ने ना अल्लाह दी कसम चा के मैं आदा नहीं बयान हो सकते। मसलन शाने सदीके अकबर हो, शाने अली हो, शाने उमरे फारूक हो, ये बयान हो सकती? मैं आपको हजूर गौस पाक की शान का एक वाक्य सुना देता हूँ। चलो जी आ गया जी धार थी,
चेहरा नजर तकाओ सुना दें दे। और तकना पूरे मजमे में सब तो ज्यादा वो समझ आए वो इन्हें चैस लेनी है ना वो जड़िया में हदीसा पढ़िया ने इतनिया जोर ला ला के पसीना मेरा तो वो पुत्रो असल माखज वो ही है यह जो वाक्य सुना रहे हैं ये सुना इन्हें सुनाने का मतलब भी ये है भाई जब ये शान है खिदमत गारों की सरदार का आलम क्या हो तो हजूर उस पाक कौन ने रसूलुल्लाह दी पीढ़ी विचों यारवीं पीढ़ी पैदा होने वाला पुत्र रसूलुल्लाह हसनी हुसैनी सैयद केड़े जी हसनी हुसैनी तो जे कदे यारवीं पुश्त विच आके पुत्र दी अख दा ये हाल है और पुत्र दी करामत दा ये हाल है तो फिर सरकारे दो आलम का आलम क्या हो ओ गल ये है हुण जरा सियाण हुण जरा अलर्ट होके सुनो गल ये है भाई असीं उस पाक कर रहे सन तकरीर के कर रहे सन तकरीर कर रहे सन मेराज दी रात सी केड़ी जी रात यानी तकरीर राती नहीं कर रहे सन तकरीर दिने कर रहे सन लेकिन रात वो केड़ी सी तो आप उस रात की फजीलत पे बयान कर संगियां मुरीदों नूं बा के ओ मेरा नाना हंज गया ते हंज आया मेरा नाना हंज गया हंज आया वो कुंडी हल्दी रही बिस्तरा गर्म रहा पानी गर्म रहा चलता रहा मेरा नाना गया भी आया भी देर भी कोई नहीं लगी 90,000 रब नाल गल्लां भी कीतियां हुण मुरीद जिहड़े बैठे होंदे ने मुरीद ते अन्ने आशिक होंदे ने के उन्हां नूं अपने पीर तो इलावा कोई नजर ही नहीं आउंदा तो उस पास के मलंग बैठे हुए मुरीद बैठे हुए आखां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो सड़क जिस तरह लंघदी पई ना सड़क रस्ता गुजरदा सी आप जी दरगाह कोलों तो उस राह ते जावे पिया एक यहूदी वो यहूदी दिल विच कहण लगा हजूर उस पाक दी एक करामत याद रखना कि आप बगैर स्पीकर तो तकरीर करदे सन स्पीकर शपीकर उस वेले कोई नहीं सन आप गुफ्तगु फरमाते 70,000 दा मजमा और जेड़ी आवाज पहले बंदे दियां कन्नां विच टकरांदी सी ओही आवाज आखरी बंदे दे कन्नां ये शहनशाह बगदाद की करामत है जनाब ने उच्ची आवाज ही गुफ्तगू फरमाई और सड़क तो लंघदिया राह चो लंघदिया यहूदी कहन लगा ए अपने मुरीदा नूं अगे बा के अपने नाने दियां शाना पे सुणांदे ने है कोई गल है करन दी ये सारे झले बैठे हुए मुरीद इन्हां दे अगर बोलदे चलदे कोई नहीं सुभान अल्लाह करी जांदे और ये अपने नाने दी शान बावे होरी बयान पे करदे ने वो कोई आसमाना सत्ता आसमाना तो उत्ते लामका वो इतनी जल्दी कोई जा सकता है जा सकता है ऐ लोगों नु एवें बनाया हुआ है ये गल उन्हें किसी नाल कीती नहीं दिल विच सोची यहूदी ने अब आप हुजूर गौस पाक की निगाह का आलम देखें तकरीर करते करते उधर सड़क की तरफ देख कर कहने लगे इस्मी अब्दुल कादिर पुत्र मेरा नाम अब्दुल कादिर है जे आज ही तेनू ने ना मनवाया कि मेरा नाना इंज किंज गया इंज किंज आया तो मैनू अब्दुल कादिर ना तो शहनशाह बगदाद रजी अल्लाह तआला ने जब ये जुमला कहा तो वो जो मजमे तकरीर सुनने वाले सन पुराने पुराने बंदे तो समझ गए थे जो कोई नवे बंदे सन उन्हें आ गया अल्लाह जिन्हें बाबे और की होया वो यहूदी टुर गया घर दरिया के कंडे से उसका घर से वो जब वहां पर पहुंचा ना यहूदी तो उसने बीवी से कहा कहने लगा भाई मैनू भूख लगी हुई है सालन लिया उन्हें क्या करमा लिया गर्म कर दी है ठंडा हो गया और उसे मंजे ते बह सालन गर्म करके तेरे के धर दी उस आ गया अच्छा गर्म करना तो झट लग जानी तू एक काम कर सालन गर्म कर तो गर्म करके सालन तू इत मंजे ते रख मैं इंज गया तो इंज आया दरिया के किनारे घर सी उन्हें कहा मैं नहा के आया इंज गया इंज आया अब वो जब नहाने के लिए दरिया के किनारे गया ना उन्हें डुबकी लगाई तवज्जो करो गल उन्हें जो डुबकी लाई तो सिर बाहर कढ़िया तो कम हो गए दो कम कितने हुए उन्हें डुबकी मारी ना दरिया में सिर बाहर कढ़िया कम दो हो गए
पहला काम यह होया कि मुल्क ही दूसरा डुबकी बगदाद लगाई तो मुल्क भी। दूसरा काम यह होया कि ऐसी वो मर्द बन गई जनानी, जो था वो थी, जो था वो थी, यानी था से थी हुई। पहले मर्द था ना, फिर औरत थी। वो परेशान होना थे जो तुम्हारे तो बैठे बैठे कोई कुड़ी बन जाए, मसला तो है हूं तो थोड़ी जी हंसी आई, रोला तो है ना हूं। मामूली गल तो नहीं जी, बंदा कुड़ी बन जाए, औरत तो बन जाए। वो परेशान चुप टट रहा बट रहा, बोले कोई ना। बहर उन्हें तकिया दरिया के कंडे ते तो कोई धोबी कपड़े पे धोवन। वो एक जवान जहा धोबी, उन्हें कहा कुड़ी रुड़ दी आती, उन्हें चादर सटी, उन्हें चादर लपेट ले। उन्हें आख्या बहर कडो कुड़ी कोई रुड़ दी आई किसी ने, पूछया कौन है वो चुप। अब भाई कितों आई है चुप। वह कह लगा मैनू तो इंज लगता मैं कोई हफ्ता हो गया दुआ करता था, या अल्लाह कोई मैनू शादी वास्ते देंदा कोई नहीं। अल्लाह मेरी दुआ कबूल की, फड़ के लै गया, मौलवी साहब को बुलाया, निकाह किया, शादी हो गई। साल गुजर गए नौ, उन्हें पुत्र जमे अठ। साल गुजरे तो मुंडे जमे, तो अठ मुंडे जमण तो बाद नौ साल बाद वे मुंडे आवाज दीए निकिया का ध्यान रखी तो मैं जरा दरिया तू डुबकी ला वा इंज गई तो इंज आई। तो वह जदों आई ना तो उन्हें डुबकी लाई, सिर बाहर कड़िया तो कम हो गए फिर दो। नौ साल पहले वाला बगदाद वही किनारा, कपड़े जड़े नौ साल पहले उतारे सन वो ही पे हुए सन। एक और भी कम होया, जो थी वो था, पहले था फिर थी, फिर थी फिर था। इसलिए हम कहते हैं भाभीओ बंदे दे पुत्र बन जाओ, जे गौस पाक नूं मन्नोगे नहीं, कभी था कभी थी कभी थी कभी था होता रहे। तैयार हो जाएगा। अच्छा चलो गल हूं मुकाबी हूं, फरमाइश ही ऐसी कर दी थी उसकी। अच्छा अब वो निकला, अब वो जो थी वो आज निकल के बाहर आया। उन्हें कपड़े नौ साल पुराने जनाब, उन्हें वेखे नौ साल पुराने कपड़े वेखे, उस पाए घर आया तो बीवी ने सालन सामने मंजे ते रखे है तो बिचो धुआं पिया निकले। तो बीवी उन्हें आती है करमा लिया तू नहा के नहीं आया, राग चुकड़े अज तो झट भी नहीं लगी। उन्हें क्या के आती भी है, उन्हें क्या करमा लिया तू नहा के नहीं आया, राह बिच मुड़ के आया, तू तो आख्या मैं नहा के आंदा वा। उस आ गया करमा लिए गल नहाण दी तो नहीं, अठ साल नौ साल अठ मुंडे। उन्हें क्या केड़े मुंडे, उस आ गया तेन दसन की गल ही नहीं, तू छठ खाना असा बाद खावे, पहले जाके बाबे अब्दुल कादिर नूं मिल के आंदे। वो यहूदी दौड़ता हुआ आया, सरकार अभी वो तकरीर कर रहे थे और जब आकर वो दूर जूतों में खड़ा हुआ, फरमाया इसको रास्ता दो आने दो। जब आगे आया तो आपने फरमाया अब पता लग गया मेरा नाना गया कि किसी आया कि किबला। ये अल्लाह ने वलियों को ताकत दी है, अल्लाह ने वलियों को ताकत दी है। ये हदीस शरीफ है, अगर किसी को वसवसा आए तो मैं उसके फौरन साथ हदीस पढ़ दो। अल्लाह पाक फरमाता है वाइजा अबतु كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويد التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها। فرمایا جب میں بندے کو محبوب بناتا ہوں آنکھیں بظاہر اس کی ہوتی ہیں دیکھ میں رہا ہوتا ہوں، کان بظاہر اس کے ہوتے ہیں سن میں رہا ہوتا ہوں، زبان بظاہر اس کی ہوتی ہے بول میں رہا ہوتا ہوں، ہاتھ بظاہر اس کے ہوتے ہیں طاقت میں ہوتا ہوں، قدم بظاہر اس کے ہوتے ہیں قوت میں ہوتا ہوں۔